हेलो गाइस, दिस इज जियार एंड यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए अच्छी जॉब लेके। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को टच कर लें ताकि आपको नई नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप पुराने व्यूवर्स हैं या फिर पुराने कैंडिडेट्स हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि उनको कुछ हेल्प हो सके, उनको कुछ मदद मिल सके काम के बारे में। हमेशा की तरह ये जॉब भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, फ्री होने वाली है। हालांकि मैं कभी कभी बोल देता हूँ कि हम लोग भी नेक्स्ट मंथ से चार्ज लेंगे या फिर हम लोग भी जो नेक्स्ट मंथ से जो कुछ पैसा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ हो जाता कभी कभी कि बोलना पड़ता हम लोगों को ऐसी बातें कुछ कैंडिडेट्स की वजह से। हर कोई कैंडिडेट्स ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर क्या करें। एनीवे, ये जॉब्स जो होने वाली है वो होने वाली है कैशियर और स्टोर स्टाफ और डिलीवरी बॉय एंड पैकिंग बॉयज की। तो अलग अलग मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए, उसके बाद कुछ कमेंट्स कीजिए, हो सके तो वह देख के कॉल कीजिए। ये जॉब्स जो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ लोकल कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। लोकल कैंडिडेट्स कहने का मतलब है जो यहाँ के हैं उनके लिए भी नहीं है, जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, चाहे वो हिंदी वाले हैं या फिर यहाँ लोकल वाले हैं या फिर और कौन से भी लैंग्वेज वाले हैं, उस कैंडिडेट्स के पास अपना एक पर्सनल रूम होना चाहिए। क्योंकि इस जॉब में आपको रूम और खाने की फैसिलिटी नहीं मिलती है, कंपनी के थ्रू रूम और खाने की फैसिलिटी नहीं दी जाती है, इसलिए ये जॉब जो है वो यहाँ के लोगों के लिए है। दूसरी ये बात है कि इसमें सैलरी भी थोड़ी सी कम रहती है, स्टार्टिंग जो रहती है अच्छी ऑफिशियल जॉब रहती है, प्रोफेशनल जॉब रहती है, इसमें सैलरी थोड़ी कम रहती है स्टार्टिंग में। अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन वाला बंदा आके यहाँ इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल कहने का मतलब कम सैलरी मिलती है, बंदा बाहर से आएगा, पहली बात तो वो उसका रूम मिलेगा नहीं। मान लो रूम का अरेंजमेंट भी कर लिया तो उसको रूम का भी जो है एक नई नई मान के चले 3,000 2,000 4,000 तो रूम का चला जाता है, फिर खाने का, फिर वो बचाएगा क्या, फैमिली को क्या बेचेगा, भेजेगा पैसे। तो जो बाहर से आके यहाँ काम, मतलब जो इस जॉब के लिए पर्टिकुलर अप्लाई करना चाहते हैं बाहर वाले, तो गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो बंदे इस जॉब के लिए कॉल नहीं करें जो आउट ऑफ स्टेशन वाले हैं, जो यहाँ रह रहे हैं ऑलरेडी आउट ऑफ स्टेशन वाले या फिर लोकल कैंडिडेट्स, वो इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, जॉब्स होने वाली है डिलीवरी बॉय एंड पैकिंग बॉय की। अब डिलीवरी बॉय और पैकिंग बॉय कहने का मतलब ये है कि ये कोई अमेजोन वाला नहीं है, ये कोई फ्लिपकार्ट नहीं है, ये एक पर्टिकुलर स्टोर है, एक हाइपर मार्केट है। स्टोर स्टोर का मतलब समझते हैं, हाइपर मार्केट दुकान है ये, बड़ा सुपर मार्केट, उसके अंदर आपको पैकिंग का काम रहता है। पैकिंग का काम उसके अंदर बोले तो दाल चावल आटा वगैरह जो 1-1 किलो आधा किलो का 200 ग्राम का 250 ग्राम का 50 ग्राम का उन लोगों का जो रहता है ना वो पिक करना रहता है। वो एक ऑटोमेटिक जो है मशीन रहती है, उस मशीन से आपको जो है वेट करके पिक करना रहता है। और आपके साथ में एक और जो है लेडीज या फिर कोई अम्मा जो साफ सफाई करने वाली रहती है वो भी आपकी हेल्प करती है। रिक्वायरमेंट अभी 4 से 5 कैंडिडेट्स की है यहाँ पे। इसमें ये जो जॉब बनने वाली वो परमानेंट जॉब बनने वाली है। परमानेंट कहने का मतलब है कि अगर एक बार इस जॉब्स में बंदा चला जाता है तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। कुछ भी प्रोडक्ट का रहने दो, मार्केट में क्या चल रहा है, नया प्रोडक्ट क्या आया है, अभी मार्केट में किस जो है रेट में क्या चल रहा है, वो सारा एक्सपीरियंस हो जाता है और अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस चीज़ के बारे में, उस मार्केट के बारे में। तो ये परमानेंट जॉब है, अच्छी जॉब है। तो गाइस, पैकिंग का काम बोले तो जो 1 किलो आधा किलो का जो पैक्स रहता है ना वो पैक करना रहता है। पैक करके वो अम्मा जो रहती है वो साफ सफाई करती है, क्लीन करके आपको देती है। आपको एक जो पर्टिकुलर लिस्ट दी जाती है कि चावल जो है 1 किलो का कितना पैकेट होना चाहिए, 5 किलो का कितना पैकेट होना चाहिए, आधा किलो का कितना पैकेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पैक करना है। बारकोड दिया जाता है आपको, बारकोड लगाया जाता है। बारकोड का मतलब समझते हैं ना, स्कैनर जो हम लोग जो है स्कैन करते हैं टाइम करके कहा जाता है, पता है ना आपको, जो सुपरमार्केट में हाइपरमार्केट में या मॉल में जो रहता है वो बारकोड ऊपर में चिपकाना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वापस जो है एक बंडल बना के या फिर एक जगह रख के स्टोर वाले को बोलना कि सर मैंने रेडी कर दिया है, आप अंदर के स्टोर वाले को किसी को भेज दीजिए या लेके चला जाएगा। तो ये सब काम है, गोडाउन में काम रहेगा आपका। फिर
डिलीवरी बॉय का, डिलीवरी बॉय बोले तो सेम वही काम रहता है, सेम वही बोले तो स्टोर का काम रहता है। डिलीवरी बॉय का मतलब भी ये नहीं है कि जो है आपको जो है फ्लिपकार्ट का या फिर अमेजोन का डिलीवरी करना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो रहता है डिलीवरी बॉय बोले तो आपको उस स्टोर का, उस पर्टिकुलर एक सुपरमार्केट का डिलीवरी करना रहता है। अब फॉर एग्जांपल है कि आपके उस स्टोर में कोई बड़ा मतलब बड़ा कस्टमर आ गया, बड़ा कहने का मतलब वो बड़ा नहीं है, वो बड़ा नहीं है, कहने का मतलब है कि काफी राशन ले लिया महीने का जो है, काफी सामान ले लिया है और उससे जो है वो उठाया नहीं जाता या फिर वो जो है वो लेके नहीं जाना चाहता, तो क्या करेगा कि जो जरूरी चीजें हैं एक दो वो अपने पास लेके जाएगा, बाकी बोलेगा स्टोर वाले को कि भाई साहब ये एड्रेस है मेरे घर पे पहुंचा दो। तो स्टोर वाले क्या करता है कि दो तीन कैंडिडेट्स अपने पास ऐसे डिलीवरी बॉय रखते हैं जो कस्टमर के घर में सामान पहुंचाते हैं, तो वही सब काम रहता है। रिक्वायरमेंट अभी 5 से 10 लड़कों की है इस स्टोर्स में। कंपनी के द्वारा ये गाड़ी दी जाती है, आपको करना कुछ नहीं रहता है कि एड्रेस दिया जाएगा, उस एड्रेस पे आपको जाके वो सामान डिलीवर करना रहेगा, बस उतना ही काम। पेमेंट वगैरह और बिल वगैरह वो सारा का कस्टमर वहीं पे करके जाता है, आपको सिर्फ वहां से सामान उठाना है, गाड़ी में डालना है और वहां पे छोड़ के आना, बस उतना ही काम रहेगा आपका डिलीवरी बॉय का। फ्री है आप तो फ्री के टाइम में स्टोर वाला आपको क्या करेगा, जहाँ पैकिंग चल रहा है उसके साथ में बिठा दिया जाएगा थोड़ी टाइम के लिए और वहां पे पैक करवा दिया जाएगा, या फिर अगर मान लो पैकिंग पूरा हो गया है तो आपको जो है डिलीवरी बॉय से हटाकर फिर आपको स्टोर के अंदर भेज दिया जाएगा कि कस्टमर का ध्यान रखो, मतलब कस्टमर क्या लेता है, उसको क्या चीज़ नहीं मिल रहा है, वो कहाँ खोज रहा है, वो प्रोडक्ट कहाँ रखा है, तो वही सब जो है काम आपको करना रहेगा। इसमें जो है अनपढ़ भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, अनपढ़ भी अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट पहले बता देता हूँ कि 18 से लगाकर इसमें 25 लास्ट रहती है, 18 से 25 साल लास्ट रहती है। और लैंग्वेज इसमें कौन सी भी चलती है, पर्टिकुलर लोकल वाला ही होना ऐसा कुछ नहीं है, या पर्टिकुलर हिंदी हिंदी वाला ही होना ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने कहने का मतलब है कि जो बंदा ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा है या फिर जो बंदा लोकल से है वो बंदा इस जॉब को अप्लाई कर सकता है। जॉब लोकेशन एक पर्टिकुलर एरिया है बीटीएम लेआउट, बीटीएम लेआउट में ये वैकेंसी है अभी, जो बीटीएम लेआउट के नियर बाई में है, बीटीएम लेआउट हुआ, एचएसआर लेआउट हुआ, कोरबंगला हुआ, या फिर लाइक जयनगर हुआ, जेपी नगर हुआ, बनागटा रोड हुआ, इस सारे सराउंडिंग के आसपास वाले बंदे इस जॉब को तो अप्लाई कर सकता है। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट इस जॉब के लिए है, पैकिंग के लिए और डिलीवरी के लिए, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। गाइस नेक्स्ट है अपना कैशियर का जॉब्स। कैशियर में जो है मिनिमम 12th पास होना जरूरी है, मिनिमम अगर 12वीं पास है आप तो तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें, अन्यथा नहीं करें, क्योंकि कैशियर की जॉब जो रहती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब्स रहती है, उसके हाथ में कैश आता है, कैश का मतलब रोकड़ा आता है, जो कस्टमर बिल बनाते हैं ना उस बिलिंग का कैश आता है, उसका सारा हिसाब रखना पड़ता है, शाम को जाते हैं तो वो सारा इकट्ठा करके उस मैनेजर के हैंड ओवर करके आपको जाना पड़ता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब है एक भी रुपया इधर उधर नहीं होना, ना तो कम आना ना जाना। कम आने का मतलब है कि आपने कहीं पे मिस्टेक किया है, जहां 5 रुपए का था वहां पे 4 रुपए लिया, फिर ज्यादा आने का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा ही दे दिया है और पैसा एड हो गया है, यही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। कहने का मतलब है कि आप वो पैसा अपनी जेब में नहीं डालते हैं, कम हुआ तो जो है आप अपनी जेब में नहीं डालते हैं, ज्यादा हुआ तो आप अपनी जेब से डालेंगे नहीं, वहां पे रखेंगे नहीं, कहने का मतलब है कि वो आइटम में ही ऊपर नीचे होता है, तो थोड़ा जिम्मेदारी का काम है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों रिक्वायरमेंट रहता है, लड़की और लड़का दोनों अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए। इसमें जो है एज क्रिटेरिया सेम रहती है, 18 से 25 लास्ट, इसमें मिनिमम 12th पास होना जरूरी है। अब वो चाहे हिंदी का जो है हो या फिर लोकल कैंडिडेट्स हो, कोई भी रहने दो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक और गाइस बात इसमें है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है, पुलिस वेरिफिकेशन करवाना बहुत ही जरूरी हो गया है आजकल। रीजन ये बता रहा हूँ कि कल ही की बात बता रहा हूँ, कल हम लोग 8 बजे से लगाकर सुबह 11:30 11 बजे तक पुलिस स्टेशन में थे, यस मैं और मेरा मैनेजर। बड़ा बात नहीं होता, एक बात बोलूंगा तो एक हंसी आएगी, ऐसी बात हुई थी एक्चुअल में। मैंने 3 से 4 लड़के जो कल परसों एक सिक्योरिटी का जॉब डाला था ना,
वो इमरजेंसी में कहीं से 3 से 4 लड़के मिले थे, उसको मैंने जॉब्स के लिए भेजा था। ठीक है, हुआ ये कि जल्दीबाजी में हम लोगों ने ऐसे ही कैंडिडेट्स दे दिया अगले वाली कंपनी को। अब उस कंपनी में भी किया क्या कि जरूरत थी बंदों को, बस कुछ आगे पीछे देखा नहीं, काम पे रख लिया। हालांकि हम लोगों के पास सारा डॉक्यूमेंट्स था उस कैंडिडेट्स का, उस बंदे ने किया क्या, यूपी का बंदा था। सॉरी भाई यूपी वालों, हर सबके लिए ये नहीं है, जो ऐसा था ना उसके लिए ये बोल रहा हूँ। तो उस बंदे ने क्या किया, जहाँ वो ड्यूटी लिया है हुलीमाओ में, उसके सामने वाले अपार्टमेंट में पता नहीं क्या हुआ कि वो चोरी करने चला गया, चप्पल चुरा के लेके आया। क्या लेके आया, चप्पल चुरा के आया। कितनी अच्छी बात है, चप्पल चुराने के लिए वो वहां गया। हालांकि पता नहीं मतलब कुछ और लिया होगा, लेकिन वहां से कंप्लेन हुआ पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले आके उसको रात में ही उठा के लेके चले गए। 2 या 3 बजे रात में उसको उठा के लेके चले गए पुलिस स्टेशन में। हम लोगों को पता चला सुबह से 3 से 4 बजे कि ऐसा ऐसा हुआ है कांड, आपका सिक्योरिटी को सामने वाले अपार्टमेंट में उठा पकड़ के लेके गए हैं रखे। तो हमें और हम लोगों का मैनेजर और वो सिक्योरिटी जो ऑफिसर जब था जिस कंपनी में हम लोगों ने सिक्योरिटी के जो दिया था ना, हम लोग तीनों गए। तीनों गए तो पुलिस वाले ने हम लोगों से पूछताछ करने के बाद में हम लोगों को तीनों को अंदर बिठा दिया। 2 से 3 घंटा हम लोग पुलिस स्टेशन में रहे, हम लोगों का फोन भी वहीं पे जब्त कर लिया, वहीं पे बिठा दिया। गलती किसकी थी, सिक्योरिटी गार्ड की। अब गलती कहाँ पे हुई हम लोगों से वो भी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि हम लोगों से गलती ये हुई कि उस बंदे का डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद हम लोगों ने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया। यस, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई। ना तो हम लोगों ने करवाया, ना ही अगली वाली सिक्योरिटी कंपनी ने करवाई। उसको भी लड़के लोगों की जरूरत थी तो अर्जेंट पे नाइट ड्यूटी में डाल दिया उस कैंडिडेट्स को। हम लोगों को लगा कि चलो भैया बंदा जेन्युइन है, ऑलरेडी इसने जो है रेज्यूम में इतना सारा मेंशन कर रखा है, इसने जो है बताया कि मैं वहाँ वहाँ काम किया हूँ, तो हो सकता बंदा कुछ मुसीबत में रहेगा, आया है इमरजेंसी में गाँव से बेचारे को, ड्यूटी दे दो। और क्या, वही होता ना भाई, देखो कोई बंदा कॉल करेगा कि सर मैं 3 दिन से घर में बैठा हूँ, मैं बेंगलोर में हूँ, खाने पीने का नहीं है मेरे पास, और मैं ऑलरेडी सिक्योरिटी में काम कर चुका हूँ, आपका ये वीडियो देखा था, मैंने कॉल किया था, सर मुझे काम चाहिए चाहिए। तो वही हुआ हम लोगों के साथ ही, बिलीव होता ना जो विश्वास होता है, तो वही बिलीव करके हम लोगों ने उसको काम पर रख लिया। 3 बंदे आए थे, तीनों ऐसे नहीं थे, 2 बहुत अच्छे हैं बेचारे, एक ही बंदा सर ऐसा निकला। तो हुआ ये कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ उस कैंडिडेट्स का। पुलिस ने वही पूछा कि भाई जो बंदा रखा आपने, डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, पैन कार्ड आधार कार्ड सही, लेकिन पुलिस की तरफ से वेरिफिकेशन होना चाहिए ना, सही है ना। वेरिफिकेशन का मतलब समझते हैं ना, वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपको पुलिस वाला वो जो आप एड्रेस देते हैं ना आधार कार्ड, मान लो आप लोकल के हैं तो आपके घर पे जाएगा पुलिस वाला XYZ एड्रेस पे, या फिर जो है सितारापुर में या जगतपुर में जो भी आपका एड्रेस रहता है वहाँ पे जाके इंक्वायरी करेगा कि ये बंदा यहीं पे रहता है या नहीं रहता है, कितने साल से रहता है, इसका पापा का नाम जगन राम है, मुन्ना राम है, सुन्ना राम है, जो आपके आधार कार्ड में जो मेंशन होता है ना, बस वही वो चेक करता है आप किसके बेटे हैं। वो सारा का सारा एग्जैक्ट जो आपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर रखा है वो डॉक्यूमेंट्स क्लियरली वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद वो पुलिस वाला एक रिसिप्ट देता है कि पुलिस की तरफ से वेरिफिकेशन हो गया, ओके है, हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास वो रिसिप्ट आती है, उससे क्या रहता है कि थोड़ी हेडक कम हो जाती है, टेंशन कम हो जाती है, ताकि ऐसी कुछ सॉरी अगर मान लो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आए इन केस फ्यूचर में, तो होता ये है क्या कि हम लोग अपनी तरफ से एकदम साफ सुथरे रहते हैं, हम लोगों का कुछ भी हेडक नहीं रहता, हम लोगों का टेंशन नहीं रहता, ताकि पुलिस वाला उसको अपनी तरफ से हैंडल कर सके। तो गाइस हुआ यही था, सिर्फ और सिर्फ एक चप्पल की चोरी की वजह से, जो 150 और 200 रुपए में मार्केट में मिलती है, 150 रुपए का चप्पल 40,000 का पड़ा हम लोगों को। तो पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी हो जाता है कभी कभी किस जॉब में। तो गाइस यही इस जॉब में अप्लाई है। कहने का मतलब है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवा के स्लिप लेके आप हमारे पास आई है इस जॉब के लिए। आपको पुलिस वेरिफिकेशन का अमाउंट भी हमारी कंपनी पे करेगी, उसका भी टेंशन मत लीजिए। आप 200 लगता है या 300 लगता है वो हमारी कंपनी पे करेगी, आपको बस वो वेरिफिकेशन करवा के स्लिप अपन लोगों को हैंड ओवर करना है, बस उतना ही काम है। तो गाइस कैशियर का जॉब है अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है, क्योंकि केस सेंड में रहता है, रोकड़ा रहता है, पैसा का मामला है, इसलिए क्वालिफिकेशन जरूरी है। 12th पास मिनिमम है इसमें, 18 से 25 मिनिमम एज होना चाहिए, लोकल कैंडिडेट्स या आउट ऑफ कैंडिडेट्स कोई भी रहने दो चलेगा इसमें, लेकिन वो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहा हो।
अब आती है सैलरी की बात। तो गाइस सैलरी इसमें रहती है आपका 12 से लगाकर 13 हज़ार रुपये मिनिमम, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। हर सैलरी हर वीडियो में मैं मिनिमम से स्टार्ट करता हूँ, मैक्सिमम कभी भी नहीं बताता हूँ। मिनिमम कहने का मतलब जो स्टार्टिंग की सैलरी रहती है ना वो हम लोग बताते हैं आपको। तो गाइस इसमें सैलरी मिनिमम रहती है और इसमें मिनिमम सैलरी भी आपके इंटरव्यू में डिपेंड होती है। आप स्टोर पे आइए, रेज्यूम लेके आइए, आपको इंटरव्यू में भेजा जाएगा। इंटरव्यू में आपकी जो है बातचीत करने का तरीका और आपका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होती है सैलरी। फिर आफ्टर 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपकी सैलरी इसमें इंक्रीज होती है। जस्ट 6 महीने के बाद अगर आप अच्छा कर पाते हैं और अच्छा पकड़ पाते हैं उस रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छा कर पाते, तो 3 ही महीने में आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। सैलरी इंक्रीज कितनी होती है वो अभी फिक्स नहीं है, लेकिन 1,000 से लगाकर 3,000 क्लाइंट की तरफ से बोला गया है कि 1,000 से लगाकर 3,000 तक हम लोग जो है सैलरी इंक्रीज करते हैं। अब 3,000 लास्ट का नहीं मान के चलिए, 1,000 भी मान के चलिए, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सीखते हैं। सीखने का मतलब ये है कि आपको सिखाया जाता है उस दुकान का या फिर उस सुपरमार्केट का सॉफ्टवेयर, जो आप बिलिंग करते हैं ना उस बिलिंग का सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से बिठा के 10 दिन 15 दिन आपको ट्रेनिंग में दिया जाता है। आपके साथ एक कैंडिडेट रहता है, वो बकायदा आपको जो है प्रॉपरली ट्रेनिंग देता है, सिखाता है कि दूध दही किस कोड पे है या फिर चावल कैसे स्कैन करना रहता है, टोटल बिल हुआ तो कैसे क्या जो बिल लेना रहता है, वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर जो रहता है ना उसके कंप्यूटर में वो आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। आफ्टर ट्रेनिंग आपको अकेले उस काउंटर पे छोड़ा जाता है या फिर एक पर्टिकुलर एक काउंटर आपको हैंडओवर किया जाता है। अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप उसको काम करना पड़ता है। तो गाइस ये है कैशियर की। अब रही जो डिलीवरी बॉय पैकिंग की, उसकी सैलरी रहती है 11,000 रुपये स्टार्टिंग, बता रहा हूँ इसमें भी स्टार्टिंग ही है। 11,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी रहता है। इसमें अनपढ़ रहने दो या पढ़ा लिखा नहीं रहता, कोई भी चलता है। हल्का सा थोड़ा गाड़ी आना आना चलाना चाहिए और डीएल होना चाहिए। अब डीएल कहने का मतलब ये है कि डिलीवरी का दूसरा और कई काम मतलब नहीं है, लेकिन ये डिलीवरी का डीएल का बोले तो, जो मान लो कि स्टोर से मान लो 2 या 3 किलोमीटर दूर कहीं पर डिलीवरी जाना पड़ा, रास्ते में पुलिस वाला रोक लिया, तो आपको वहां पे अपना डॉक्यूमेंट्स डीएल दिखाना हो जाता कभी कभार। हालांकि इतना होता नहीं है, स्टोर के नियर बाई में ही आपको भेजा जाता, फिर भी जो है वो आपके पास होना चाहिए डीएल। तो इसमें सैलरी रहती है मिनिमम स्टार्टिंग जो बता रहा हूँ मैं 11,000 रुपया। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, बिना इंटरव्यू के आपका ज्वाइनिंग होता है इसमें, पैकिंग में और डिलीवरी बॉय में बिना इंटरव्यू के ज्वाइनिंग होता है। मिनिमम 11,000 सैलरी रहता है इसमें। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज की जाती है, 3 महीने के बाद नहीं की जाती इसमें। केसीएम में 3 महीने के बाद सैलरी इंक्रीज की जाती है, इसमें 6 महीने के बाद सैलरी इंक्रीज होती है। 6 महीने के बाद सैलरी कितनी इंक्रीज होती है, वही सेम 1,000 से 3,000। अगर आप अच्छा कर पाते हैं, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, तो आपकी सैलरी 3,000 भी बढ़ा देते हैं। सही बात है गाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बात है। चाहे कौन सा भी काम रहने दो या फिर कौन सी भी जॉब रहने दो, मेन चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप काम करेंगे तो आपकी सैलरी इंक्रीज जल्दी ही होती है। इसमें रूम और फैसिलिटी की व्यवस्था नहीं होती है कंपनी के द्वारा, कंपनी के थ्रू। इसलिए मैं पहले ही बोला कि ये जो जॉब सुना लिया है वो जो बाहर से आने वाले कैंडिडेट्स उनके लिए नहीं है, जो लोकल में रह रहे हैं या फिर लोकल वाले हैं उनके लिए है, क्योंकि इसमें रूम और खाने की फैसिलिटीज नहीं है। 11,000 से लगाकर 13,000 के बीच में दोनों जॉब्स की जो सैलरी रहती है उसमें सफिशियंट नहीं होता कि बाहर वाला कैंडिडेट्स आएगा, आउट ऑफ स्टेशन से आएगा और 11,000 में काम करेगा, उसका रूम भाड़ा भी तो 3-4 हज़ार रुपये हो जाएगा, खाने की पीने का भी उसका 3-4 हज़ार रुपये हो जाएगा। फिर वो बचाएगा क्या? जब एक भी रुपये बचाएगा नहीं तो फिर बेंगलोर क्यों आएगा? वो अपने ही गाँव में कोई अच्छी जॉब कर लेगा ना। तो इसमें जो ऑलरेडी रह रहा है यहाँ पे या फिर कोई जॉब छोड़ चुका है या फिर कोई जॉब सर्च कर रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे ऑलरेडी लिविंग में है, रह रहा है लोकल कैंडिडेट से, ये उन लोगों के लिए है ये जॉब्स। टाइमिंग इसमें रहता है 9 से 10 घंटा। अब एक चीज क्लियर कर दूं कि इसमें टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। फिक्स का मतलब है कि 8 घंटा भी हो सकता है, 9 घंटा भी हो सकता है, लेकिन 9 घंटे से ऊपर नहीं होता है या फिर 9:30 घंटा से ऊपर नहीं होता है। इसमें रीजन ये रहता है कि स्टोर का काम रहता है। मान लो शाम के टाइम में जो है स्टोर क्लोज करते वक्त कस्टमर कुछ भीड़ अच्छी लग गई, ज्यादा हो गई, तो उसको आप धक्के दे के बाहर तो निकाल नहीं सकते,
कि सर हम लोगों का टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी जो कीजिए, फिर अंदर मत आइए, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो आपके पास ऑलरेडी क्यू में खड़े हैं कैंडिडेट्स, उनको तो आपको क्लियर करना पड़ेगा ना। तो इसमें टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है, वीक ऑफ की अब आ रही थी तो वीकली एक वीक ऑफ मिलता है कैंडिडेट्स को, सैटरडे संडे छोड़ के। सैटरडे संडे इस लाइन में छुट्टी नहीं होती है, रीज़न ये रहता है कि सैटरडे संडे ही मेन बिजनेस होता है इन लोगों का, तो सैटरडे संडे इसमें छुट्टी नहीं रहती है। तो गाइस आपके लिए दो जॉब अवेलेबल है अभी के टाइम में फ्रेंड्स, अच्छी जॉब अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। परमानेंट जॉब है ये, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम जॉब है और परमानेंट जॉब है। परमानेंट कहने का मतलब है कि इसमें नॉलेज भी अच्छा खासा हो जाता है और एक साल दो साल तीन साल जो है अच्छा सा आप कर सकते हैं, कंटिन्यू 5 साल तक भी कर सकते हैं। अगर इसमें अच्छा नॉलेज हो जाता है ग्रोसरी में या प्रोडक्ट के बारे में, तो आप फ्यूचर में अपना ब्राइट फ्यूचर भी कर सकते हैं, सेल्समैन का काम कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर काम कर सकते हैं, मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्यूचर्स रहते हैं इसमें ग्रोथ होने के लिए। तो फ्रेंड्स एक और अच्छी जॉब्स आप लोगों के लिए, जल्दी से वीडियो को शेयर करना कभी ना भूलें। और गाइस वीडियो पसंद आने पर कमेंट्स जरूर करें, कमेंट्स का मतलब वही अच्छे वाले कमेंट्स, मन हो तो करें, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती जो कमेंट्स करना पड़ेगा आपको, लाइक देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आपको मन से आपको पसंद आना चाहिए कि हाँ कुछ हेल्प लग रही है लोगों को, तो शेयर जरूर करें इस वीडियो को और कमेंट्स और लाइक जरूर करें गाइस। तो फ्रेंड्स हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके कुछ अच्छी जॉब्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।